नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हापुड़ के अन्य चुनाव पर तेज रफ्तार मिनी बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। 48 घंटों में गैंगरेप का खुलासा कर हैवानों को मुठभेड़ में पकड़ने पर पिलखुआ में व्यापारियों ने पुलिस टीम को किया सम्मानित। हापुड़ के सिंभौली क्षेत्र के गाँव में दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात न लेकर आने का मामला, दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हापुड़ के बहादुरगढ़ में गन्ना भुगतान में देरी को लेकर गढ़ के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता ने किसानों के साथ बैठक की। हापुड़ के बुगलाना नहर से पुलिस ने चेकिंग के दौरान शराब तस्कर को दबोचा, अवैध शराब के 35 पवे बरामद। हापुड़ के धोलाना पुलिस ने गांव पारपा में मामूली बात को लेकर झगड़ा करने वाले 6 लोगों को किया गिरफ्तार। हापुड़ के धोलाना पुलिस ने 2 पशु चोरों को किया गिरफ्तार, 2 नाजायज चाकू किया बरामद। कोलकाता में बहुमंजिला इमारत में आग का आतंक, 3 फायर ऑफिसर समेत 7 लोगों की मौत। हापुड़ के बहादुरगढ़ के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार हुआ घायल। हापुड़ के गांव नंदपुर में चोरों ने बंद मकान में बोला धावा, हजारों के माल पर किया हादसा। ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।